यार मैं तो निकलने का सोच रहा था, आप देख रहे हो तो यार कहाँ मैं धूप में चला रहा था और अभी ये लाइटनिंग थंडर जैसा हो रहा है बारिश, आप देख सकते हो, आपको पता चलता होगा। या मेरी गाड़ी कहीं वहाँ पर है, अराउंड अभी 4 बज रहे हैं, निकलना था बट बारिश बहुत खतरनाक हो रही है और मुझे नहीं लगता कि ये रुकने वाली है। और मेरे डिवाइसेस भी मैंने वाटरप्रूफ नहीं किए, ये तो कुछ पंगा हो गया भाई, अच्छा खासा पंगा हो गया है भाई साहब। थोड़ी बहुत नहीं, एकदम भयंकर सी बारिश हो रही है, एकदम भयंकर सी थंडरस्टॉर्म अचानक में, भाई क्या करें, रुकना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। अभी थोड़ी सी बारिश कम तो हुई है, 4:20 हो रहा है, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। टॉप बॉक्स ला के लगा दिया, बैग लेकर आता हूँ और टैंक बैग, बट बारिश रुकना बहुत ज़रूरी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 1 hour later वी आर एट मिडल ऑफ बरनाला एंड लुधियाना हाईवे। अभी मैंने GoPro ऑन किया है, GoPro मैंने निकाल के रख दिया था, बारिश थोड़ी सी रुक गई है। दिस इज हाउ बनी इज लुकिंग। अभी का जो टेम्परेचर है वो है 26 degrees। हम जो कल है वो 38 degrees पे चला रहे थे, 40 degrees पे चला रहे थे, अब 26 degrees आ चुका है। 398 more kilometers टू गो टू पटनी टॉप, 8:03 बता रहा है और सुबह के बज चुके हैं 5:42, मतलब ऑलमोस्ट 6 मॉर्निंग हो चुका है। और मैंने GoPro लगा दिया है, बल्कि बारिश तो आ नहीं रही है, बट क्या होता है ना, वो उसका चिकड़ पूरा उड़ उड़ के ना GoPro में, मतलब चिकअप हो जाएगा, बट नो वरीज, उतना हम मैनेज कर लेंगे, साफ कर लेंगे। आगे जाके कहीं पर रुकेंगे 10-15 minutes के लिए, मस्त बढ़िया सी चाय मिलेगी वहाँ पे, चाय वाय पियेंगे। ग्लव्स मैंने पहना नहीं है थोड़े टाइम के लिए, फिर आगे जाके चल के हम पहन लेंगे। बट 4 इतनी भयंकर सी बारिश होने लग गई ना अचानक में, मालूम नहीं कहाँ से आ गई भाई, मतलब अचानक में फ्रॉम द नोवेयर इन द अर्थ, मतलब अचानक में भाई बारिश आ गया है। तो यस, बारिश आने की वजह से 1 अपना वहीं टाइम पास हो गया, 5 निकले। एक बार अगर सूरज देवता निकल जाएंगे ना तो फिर हालत ही ख़राब कर देंगे। निकल के हमको सिर्फ अभी 30 किलोमीटर और अपने दिन का आज का पहला टोल बंद पड़ा है, आई थिंक सो, इतना कुछ है भी नहीं। एक ट्रक वाला रुका तो है, कुछ तो मिल रहा है यहाँ पे। चाय है, उसको बोलना पीछे मत लेना भाई ये, क्योंकि एक बार मैं ऐसा इधर आके खड़ा था, ट्रक वाले को पता नहीं था, ट्रक वाले ने हैंड ब्रेक छोड़ा, पीछे आने लग गई गाड़ी। कैसे कैसे मैंने मैनेज किया था वो मुझे अभी भी मालूम है, इसलिए मैं कभी भी ट्रक के पीछे लगाना अवॉइड करता हूँ। तो यस, चाय बन रही है, बोल रहा है। तो ये जैसे अभी हम लोगों ने टोल पार किया था वही है, गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और हमने मंगा लिया है चाय और 50-50 खाएंगे, थोड़ा खाते 10-15 minutes रुकेंगे, नाश्ता भी करना है, बट हैवी वाला नाश्ता करना है तो यहाँ नहीं करेंगे, थोड़ी अच्छी जगह पे करेंगे मस्त। यार पंजाब में ऐसे एकदम बड़े बड़े लंबे लंबे खेत हैं यहाँ, मतलब पंजाब ने स्वागत तो एकदम गर्मी से किया था, जब एग्जिट ले रहे तो एकदम भयंकर सी बारिश हो रही है। निकलते हैं यहाँ से, यार थोड़ा थोड़ा मौसम है ना बारिश जैसा भी हो रहा है, तो उसके वजह से रिस्क नहीं उठाना, मैंने अभी तक तो कुछ निकाला नहीं है। हरियाणा और पंजाब में जो विंड ब्लास्ट मिला है मुझे, मुझे कौन से भी स्टेट में इतना खतरनाक वाला विंड ब्लास्ट नहीं मिला है, मतलब मैं ऐसा एकदम नीचे झुक के चला रहा हूँ। यार स्पीड भी तो मेंटेन रखनी है, 70-75 ऐसा लग रहा है कि आप 130-140 चला रहे हो। 26 तो टेम्परेचर हो चुका है और थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है हाथों में। यार आप लोग से ना बढ़िया वाली बातें नहीं हो पाई, पहले 2 भी मेरा मतलब ना थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा डाउन था, उस रीज़न से आपसे अच्छे से बातें नहीं हो पाई है, बट यस आज खूब सारा बातें करेंगे। आप सामने बोर्ड देख सकते हो, लुधियाना 46 किलोमीटर, पटियाला 123 किलोमीटर, तो हमको जाना है लुधियाना, मोर 46 किलोमीटर्स टू गो। मौसम बहुत बढ़िया है, चलाने वाला मौसम है, मस्त मज़ा आ रहा है। देखो ऐसा अगर आपको खुला खुला हाईवे मिलेगा वो भी ऐसे मौसम में, और कोई नहीं है आजू बाजू, यहाँ पे सब लोग जट है भाई, सब लोग जट है। यार पंजाब में बंगलोज, ओ माय गॉड यार, मतलब क्या बंगलोज है, ये लंबे लंबे खेत और बीच में उन लोग का बंगलो है, बहुत ही सही। और वेदर ऐसा, यही तो मैं चाहता था, जो कि 3 बाद मिला है मुझे। तो गुरु अब एकदम प्रॉपर दिख रहा है, वो क्या हो गया था चिकल के वजह से ना पूरा गंदा लग गया था, अच्छे से उसको टिश्यू से साफ किया तो अब एकदम अच्छा लग रहा है। मोर 370 किलोमीटर्स। आपको मालूम है मन तो मेरा बहुत था कि मैं ड्रोन उड़ाऊँ, बट फिर अचानक में मुझे याद आया कि यार किसी के इसमें लिखा था, और यहाँ पे लिखा भी है देखो, नो ड्रोन जोन करके, रेस्ट्रिक्टेड है। ले में दिखाएंगे आपको एकदम बढ़िया बढ़िया सारा ड्रोन शॉट्स, काम ही का है वहाँ पे, इतना डिस्टेंस तो कवर करना है नहीं दिन भर में, मतलब होगा तो भी कितना होगा, 150-200 किलोमीटर, वो दिन भर में 8-9 में तो कवर अप कर ही लेंगे। सो लो जी, दिन का दूसरा टोल आ चुका है, सब टोल यहाँ पे बंद क्यों है,
ये टाइम पर गाड़ी चलाने का मजा अलग ही है। सो गाइज, ये एक लुधियाना बाईपास रोड है, मतलब लुधियाना के जो सिटी है उसको थोड़ा सा बाईपास होके निकलता है, 10 किलोमीटर इस पे चलना है। बट आप व्यू देख सकते हो यार, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। वी आर बैक ऑन हाईवे श्रीनगर, 546 किलोमीटर, एंड वी आर बैक ऑन द रोड। हाँ, ये सब हाईवे ना, जो स्ट्रेट हाईवेज रहते ना, ये मदहोशी वाले हाईवे है। नींद आने लग जाती है। जलंधर 62, मौसम बहुत बढ़िया हो गया है आज का, बहुत सही। ये जो स्ट्रेट हाईवे, ये स्ट्रेट जलंधर जाता है, एंड जलंधर इज़ मोर 58 किलोमीटर्स। तो मैं सोच रहा हूँ अपन 58 किलोमीटर्स करते और फिर मस्त सा ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे जलंधर में। तो ये रहा तीसरा टोल गेट आज के दिन का। अरे, बाइक के लिए जगह ही नहीं है, कहाँ से जाएगा? छोटा सा रास्ता जी है, इतना छोटा सा। गोप्रो अचानक में अपने आप बंद हो गया था, हैंग जैसा हो गया था, तो बैटरी निकाल के फिर से डाला है। आप वो देख रहे हो राइट साइड पर, शंकर भगवान जी की मूर्ति, बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत ही बढ़िया। एंड दिस इज पंजाब पुलिस, एंड दिस हाईवे हम लोग ने अभी जस्ट कनेक्ट किया है, दिस गो स्ट्रेट टू जलंधर। ये वाला जो हाईवे है वो जलंधर वाला हाईवे है। यहाँ अपने अपन ने गाड़ी खड़ी कर दी है, और ये एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है जिसमें मंगाया है परोठा और चाय। ये अपने फ्रेंड लोग पहले खाते हैं, बढ़िया सा, बहुत भूख लगी थी यार, मतलब बाद में से खाया नहीं था होटल में। बहुत ही बढ़िया था ब्रेकफास्ट, ऐसा लगा मैंने लंच कर लिया है, रुकने की जरूरत नहीं है कहीं पे। और आप ये देख रहे हो, शेर लोग सो रहे हैं, बफी, बॉक्सर, चार्ली, रैम्बो। शेर बोला वैसे ही वो उड़ गया यार। मोर 330 किलोमीटर्स टू गो। तो यस, तो ये हाईवे, दिस गोज टू जलंधर। बहुत अच्छा था न्यू वैष्णो हाईवे ढाबा, परोठा मस्त खाया मैंने यार, 120 रुपए में दो पराठे और चाय, वो भी मक्खन लगा के। यहाँ से सीधा सीधा आएगा आपका जलंधर, और फिर हम लोग निकल जाएंगे आगे की तरफ। टाइम हो रहा है अभी सुबह के 8, और जो टेम्परेचर है वो अराउंड 29 डिग्री है। ठीक है, चलाने लायक है, मस्त। साहब ये क्या हाईवे है, NH44, फुल ऑन फन चल रहा है, चलते ही जा रहे, रुकने की जरूरत ही नहीं है। पिछले 15-20 किलोमीटर से बहुत ही मजा, अलग तरीके का फन है सच में। मतलब बाइक का जो एडवेंचरस है ना, वो आपको कार में, ट्रक में, ना ही बुलडोजर में, किसी में भी नहीं मजा आएगा। बाइक पे जो मजा है वो अलग ही है। अमृतसर 108 किलोमीटर है, जलंधर 24 किलोमीटर है। प्रॉपर 80-90 हम लोग क्रूज करते जा रहे हैं, क्योंकि एक बार हम लोग जलंधर पहुंच गए, फिर वहां से डायरेक्ट पठानकोट के लिए निकलेंगे। और आज कैसे भी करके हम लोग को उधमपुर क्रॉस करना ही है, आज का गोल है वो। इतना कोई स्ट्रेस नहीं है, हंसते हंसते हो जाने वाला है वो चीज़, क्योंकि कल वाला जो राइड था उसके बाद मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया है। जो कल हम लोग ने कुचामन सिटी से लेकर जो पंजाब तक का मारा था हम लोग ने राइड, 425 किलोमीटर, और वो भी रात में, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वेलकम जी, वेलकम। बहुत सारा एड्स देखते थे, आज पहली बार देख भी लिए इसको बाहर से ही, अंदर बुलाएंगे तो जाएंगे, नो वरीज। गर्मी नहीं हो रही है, मतलब उधमपुर तो अगर ऐसे ही वेदर रहेगा ना तो बहुत मजा आ जाएगा सच में। अमृतसर इज 94 किलोमीटर फ्रॉम यू, और अभी का जो टाइम हो रहा है वह 8:30 बज रहा है। ये NH44 सही में बहुत ही कमाल का हाईवे है। NH44 का ऐसा व्यू आगे कहीं होगा ये तो मालूम नहीं, बट यहाँ पे ये व्यू है। हाईवे चल रहा है और एक साथ आपका ट्रेन भी चल रहा है जी, क्या व्यू है यार। सो दिस इज जलंधर स्टेशन। सो जलंधर से हम एग्जिट कर रहे हैं अभी, एक बाईपास रोड होके जा रहा है सिटी से, पूरा का पूरा सिटी आउटस्कर्ट हो जाएगा। ये भाई साहब ने पूरा हाईवे ही कवर कर लिया, पूरा का पूरा हाईवे कवर कर लिया है, ना हम जाएंगे ना हम किसी को जाने देंगे। नहीं बट इसमें लोड भी उतना उसने भरा है, वो कुछ कर नहीं सकता है। यही सब आप जब रात को कवर अप करते हो ना, बाइक, ऑटो, इन लोग नहीं मिलते आपको, ट्रक वाले लोग मिलते हैं। यार थोड़ा सा रिस्की पार्ट भी है रात में चलाना, कोई और एक राइडर रहे ना तो मजा आ जाता है साथ में राइड करना, बट सोलो में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है यार। मतलब ऐसा बाकी कुछ नहीं है यार, सोलो भी आप कर सकते हो, लोगों ने सोलो पूरा दुनिया घुमा है बाइक पे। तो यहाँ से अपने को लेना है लेफ्ट, फ्लाईओवर के नीचे से राइट ले लेंगे। यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा, थोड़ा सा ही ट्रैफिक मिलेगा, ज़्यादा नहीं, वो भी सिग्नल का ही ट्रैफिक है। बहुत टाइम के बाद पैर नीचे रखा है, ऐसा लग रहा है ही नहीं जमीन करके, क्योंकि एक्सपल्स में वाइब्रेशंस बहुत है, मैंने ये नोटिस किया 3 दिन के राइड्स, आपके हैंडल पे भी, फुटपैक्स पे भी। सो यस, तो हमने ले लिया है राइट, और अब स्ट्रेट 61 किलोमीटर। सो दिस हाईवे गोज टू पठानकोट, जीजे पासिंग बुलेट,
हमने अभी तक होटल से कंप्लीट किए 140 किलोमीटर। अभी क्या है 85 किलोमीटर चला लिए वो पराठा खाने के बाद से बहुत जोरों से प्यास लग रहा है, रुक कर ले लेंगे पानी। ओके सर, यहाँ पे रुकते हैं, पीते हैं पानी। यार कितना सारा एक्वाफिना का बॉटल है यहाँ पे। मोर 275 किलोमीटर टू गो, 6 घंटे की राइड बता रहा है। अभी का जो टाइम हो रहा है 9:10, टेम्परेचर है वो जा रहा है ऊपर, 31 जा रहा है। तो दिस इज दाव यूनिवर्सिटी, स्ट्रेट पहले पठानकोट अभी निकलेंगे, पठानकोट से फिर ऊपर चढ़ेंगे। पहली बात जम्मू का बोर्ड दिख गया है 193 किलोमीटर, पठानकोट 83 किलोमीटर। फाइनली जो हम 4 दिन से हम लोग जो राइड कर रहे हैं फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात, गुजरात टू राजस्थान, राजस्थान टू हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, पंजाब से अब जम्मू, 193 किलोमीटर बोर्ड पे दिख गया अपने को पहली बार। यार यहाँ तो फोटो खींचा जा सकता है भाई साहब। और एक टोल आ गया, ये आई थिंक सो 5वां टोल है आज दिन का, NH44 कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला हाईवे ये। वो बच्चा बार बार मुड़ के पीछे देख रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस। ओके ये स्ट्रेट ही हाईवे, कुछ करने को नहीं है हाईवे पे। फाइनली कितने टाइम बाद अभी एकदम मौसम अच्छा खुला है, आप देख सकते हो धूप, बट तो भी 30 डिग्री सेल्सियस ही बता रहा है टेम्परेचर। थोड़ा सा ऐसा एनर्जेटिक फील हो रहा है, नहीं तो कब से ज़्यादा डल फील हो रहा था, बिकॉज मुझे नींद आ रहा है। 6 घंटा ही सो पाया था, उस रीज़न से भी हो सकता है। एक प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप मिल जाती है ना राइड के टाइम पे, यू नो नेक्स्ट डे आप राइड पे एकदम एक्टिव रहते हो, तो थोड़ी थोड़ी ऐसी नींद झलक रही है आँखों में। ये देख सकते हो आप, एक वो ट्रेन जा रही है। एरिया का जो नाम है, ये जो सिटी का नाम है वो दासुआ नाम है, दासुआ। ओहो ट्रैफिक भाई साहब, देख वहाँ रहे चला यहाँ रहे। तो यहाँ से एकदम ट्रेन एकदम प्रॉपर दिख रही है, ये वही ट्रेन है जो एकदम पहले अपने को दिखी थी। अब थोड़ी सी गर्मी लग रही है, जैसे ही अपना सन ऊपर चढ़ गया है तो गर्मी लग रही है। 10 बजा है, 12 बजे के बाद तो और होगा, तब तक हम लोग थोड़ा सा यू नो ऊपर साइड एरिया में चढ़ चुके हो गए, इतना तो नहीं बट यस पठानकोट क्रॉस करके जम्मू की तरफ हो गए हम लोग, हो जाए क्योंकि इतने दिनों से 40-45 डिग्री में चला के मन कैसा तो हो रहा है। फाइनली थोड़ी अच्छे वेदर में चलाएंगे तो मज़ा भी आएगा और एनर्जी थोड़ा सा अप रहेगा। ये तो हमेशा एग्जॉस्टेड फील होता है, डिहाइड्रेटेड जैसा। जितना हो सकता है उतना पानी का ब्रेक्स लेता हूँ और जितना हो सकता है उतना मैं एनर्जल पाउडर है वो मैंने पानी में मिक्स करके रखा है, तो वो सिप लेते लेते मैं राइड कर रहा हूँ। जब सोलो होते हो तो खुद का ध्यान खुद को ही रखना होता है, कोई याद दिलाने वाला नहीं होता है, सब काम आपको खुद को करना पड़ता है, किसी पे आप डिपेंड नहीं रहते हो। जैसे कि लाइफ आपको सिखाती है कि भाई किसी पे डिपेंड रहना छोड़ दो, खुद पे डिपेंड रहो और इंडिपेंडेंट बनो। जम्मू 160 किलोमीटर एंड पठानकोट 50 किलोमीटर्स। मस्त मैंने पैर ऊपर रख लिया है, जाना का ये जो क्रैश गार्ड है इसमें ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि ना आप ऊपर पैर रख के आराम से बैठ के क्रूज कर सकते हो। और मैंने क्रूज कंट्रोल सेट किया है 75 पे, मतलब मेरे हाथ को, और मस्त म्यूजिक सुनते सुनते मैं जा रहा हूँ, क्योंकि हाईवे पे कोई टर्न नहीं है, सीधा हाईवे। थोड़ा सा ट्रैफिक है, ट्रक ट्रैफिक भी है और यू नो यूजुअली जो बाइक और कार्स का है, थोड़ा सा हाईवे बंद किया हुआ है बिकॉज यहाँ पे जो पेड़ है वो पेड़ हाईवे पे गिर गया है इसके लिए। तो अच्छा खासा टेम्परेचर ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। लो जी और एक टोल आ गया अपना, रुकते यहाँ पे वाटर ब्रेक लेते क्योंकि फिर डायरेक्ट पठानकोट के आगे रुकेंगे। क्या है ना, मुझे एकदम भयंकर सी नींद आ रही थी तो इसके लिए रुक कर थोड़ा सा आंखों में पानी डाला है, मुंह धोया मस्त, थोड़ा सा पानी पिया भी है। हो राइडर एनर्जी डाउन नहीं करते, थोड़ा एनर्जी बढ़ाते और स्पीड अप करते और निकलते यहाँ से, रफू चक्कर होते फटफट। तो ये जी पठानकोट पुलिस चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट ऑफ पठानकोट। पठानकोट का चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया है और पठानकोट क्रॉस करते जल्द से जल्द। नहीं इतनी स्पीड में इसलिए रुका है ना, मुझे लेना है मेडिकल से अजिथ्रोमाइसिन, क्योंकि यार मुझे ना थ्रोट में बहुत पेन हो रहा है। तो ये रहा यहाँ पे है मेडिकल, सिर्फ 5 मिनट खड़ा रहा वो मेडिकल पे, पूरा पसीना हो गया नीचे तक। मैंने अभी जस्ट वेदर पे चेक किया, 36 डिग्री जा रहा है इधर। वो मेडिकल वाले भैया भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने बोला भैया आप अभी खा लो करके, आप शाम को और एक डोज खाओगे तो कल सुबह तक एकदम अच्छा हो जाएगा। यार राजस्थान के कुछ पार्ट में जब मैंने मोडासा से स्टार्ट किया था तभी घाट था, उसके बाद मैंने घाट थोड़ा सा भी घाट सेक्शन नहीं देखा और उसके बाद डायरेक्ट हमने राजस्थान क्रॉस किया, हरियाणा क्रॉस किया, अब पंजाब में टूवर्ड्स हमारे राइट हैंड साइड पे ही पठानकोट है, हम उसको बाईपास करते हुए निकल रहे हैं। सो ये घाट सेक्शन ऊपर चढ़ रहा है बहुत टाइम के बाद। दिस इज NH44 ही है ये, बहुत ही सुपर बनाया हुआ है।
ब्रो ये व्यू को जस्टिफाई करेगा कि नहीं मालूम नहीं, बट मुझे यहाँ से पहाड़ दिखना शुरू हो गए। बोलेगा साला जम्मू में भी नहीं है और यहीं से पहाड़ दिखना शुरू हो गया, क्या झूठ बोल रहा है। बट नहीं, पहाड़ का आउटर लाइन दिख रहा है यहाँ से। सर 110 किलोमीटर जम्मू, 110 किलोमीटर श्रीनगर, 409 किलोमीटर। ओके, सो ये जो लेफ्ट और राइट साइड का जो आप एरिया देख रहे हो, अभी वो एरिया थोड़ा नीचे चला गया, ये फ्लाईओवर बहुत ऊंचाई पे आ गया है। हम लोग पठानकोट को बाईपास होके निकल रहे हैं। उधमपुर 174 किलोमीटर, जम्मू 103 किलोमीटर फ्रॉम हियर। अगर मैं राइट मारूंगा तो 97 किलोमीटर टू जम्मू, तो हमको मारना है राइट, बट हम लोग ये सर्कल घूम के राइट मारेंगे। सो हियर वी गो राइट टू दी जम्मू। लो जी आ गए हम जम्मू हाईवे पे। मतलब ये NH44 ही है, पेट्रोल ब्रेक भी लेना है, बट अभी दो पॉइंट और है तो थोड़ा सा आगे जाके ही लेंगे, कम से कम ये 100 किलोमीटर और चल जाएगा। मैकडॉनल्ड्स खाने का मन कर रहा है। आप बोलते रहोगे यार यहाँ पे भी आके मैकडॉनल्ड्स खा रहा है, जस्ट खाने का दिल कर रहा है, कुछ एक अच्छा मील खा लेते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से। सो फ्राइज और कोक पिया है। 12 बज रहे, टेम्परेचर है 36। उधमपुर क्रॉस करना ही पड़ेगा तब जाके टेम्परेचर गिरेगा। थोड़ा सा फ्राइज मैंने खाया तो अच्छा लग रहा है और पूरा का पूरा मेरा नींद उड़ गया है। एक के पास RS है और एक के पास आई थिंक सो है दैट इज बुलेट। यार इन लोग इतना सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? मेरा सामान मतलब एक टॉप बॉक्स और एक बैग में पूरा सामान आ गया है। जम्मू बता रहा है 90 किलोमीटर यहाँ से। ओके सो ये ब्रिज, पंजाब पुलिस और ये रहा ये ब्रिज। आपको माउंटेन्स के रीजन दिख रहे कि नहीं? अभी तो स्टार्टिंग है गाइज, अभी तो स्टार्टिंग है। इसमें पानी नहीं है, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है भाई। बहुत बड़ा ब्रिज है बट पानी थोड़ा सा भी नहीं है, ये देख सकते हो। ओके सो दिस इज वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। सो दिस इज वी आर एंटरिंग जम्मू फॉर द फर्स्ट टाइम, वी आर इन जम्मू फाइनली। मेयर बनी फर्स्ट टाइम, दैट इज ऑल्सो अ सोलो ट्रिप ऑन माई बाइक टू ले लद्दाख फॉर द फर्स्ट टाइम। फुल ऑन मजे कराएंगे आपको, फुल ऑन मजे कराएंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाए रहना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जितना हो सकता है उतना, वीडियो को लाइक कर लेना। और ये रहा जम्मू का सबसे पहला आ गया है टोल और अपना 1900 दिन का हो रहा है कुछ छट्टा। ओके सो जम्मू घुसते ही अपना जो एक सीन हो रहा है वो है पेट्रोल थोड़ा सा कम बता रहा है, दो पॉइंट बता रहा है, कभी कभी एक पॉइंट हो जा रहा है वो। ये आप देख रहे हो, मतलब यार इसमें पानी आता है, भरता है कभी, इतना बड़ा ब्रिज बना दिया है यार। देखो ना गाइस, वो पहाड़ का व्यू देख रहे हो आपका, यार गोप्रो दिखा पा रहा है कि नहीं दिखा पा रहा है मालूम नहीं, पर मेरे को तो यहाँ से दिख रहा है। और अपने को जाना वहीं पे है क्योंकि आगे से है राइट टर्न। आप मानोगे नहीं मानोगे यार, गर्मी बहुत लग रही है, जैकेट वैकेट सब चीज़ के अंदर बहुत गर्मी लग रहा है यार, सच में हालत ख़राब हो गया है। तो अपन पेट्रोल फुल करा ही लेते और फिर ही पहाड़ पर चढ़ना चालू करते हैं, जो फुल टैंक में आई थिंक सो 350 किलोमीटर के आसपास गया है गाड़ी, क्योंकि ये बार मैंने भगाया भी ज़्यादा है। पेट्रोल पम्प की खोज है, कंस्ट्रक्शन अच्छा खासा हो रहा है, एक साल में अच्छा खासा यू नो मतलब आपको फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर मिलेगा जम्मू कश्मीर में। भाई साहब जब भराना नहीं था तो इतने सारे पेट्रोल पंप आ रहे थे हर दो दो मिनट में हर, बट अब जब भराना है सिंगल पॉइंट रह गया कम से कम 10 किलोमीटर से, मैं देख रहा हूँ एक पेट्रोल पंप नहीं है यहाँ पे। पेट्रोल पंप देखकर इतनी खुशी मिली है क्योंकि हमको जस्ट अभी 1.6 किलोमीटर पे हमको मारना है राइट, उस रीजन से तो पेट्रोल पूरा फुल टॉप अप करके ही चलते हैं यहाँ से। लेट सी कितना जाता है देखते हैं। पेट्रोल है 95.90 लीटर, सो 922। 400 मीटर पे एक राइट लेना है अपने को। तो मम्मी का कॉल आया था, ऐसे तो मम्मी पापा लोग को पता नहीं कि मैं अकेला आया हूँ। बाय द वे आपको ये माउंटेन्स रीजन दिख रहे कि नहीं? सुबह से एक एक डिस्टेंस बहुत ही अच्छे से कवर किया है। हम लोग निकले थे पंजाब से, वहाँ से हम लोग लुधियाना पहुंचे, लुधियाना से हम जलंधर पहुंचे, जलंधर से पठानकोट पहुंचे, पठानकोट से जम्मू से हम अभी उधमपुर के लिए। अभी इसकी आदत डालनी होगी ऑफ रोडिंग की। भाई साहब खतरनाक ऑफ रोडिंग, ये तो सिर्फ रोड वाला है, ऊपर तो और मजा आएगा। पिछले 2 किलोमीटर से ये खत्म ही नहीं हो रहा है। पट्टी टॉप इज मोर 111 किलोमीटर, पूरा सूखा पड़ा है।
थोड़ा सा भी पानी नहीं है, थोड़ा सा भी पानी नहीं है। आप देखो इन लोग का रोड बड़ा करने का काम चल ही रहा है। अच्छा है ये बड़ा हो जाए फिर बारिश है, क्योंकि बारिश में बेचारे लोग काम भी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो उतना उन्होंने मेहनत किया उतना ख़राब हो जाएगा। खतरनाक ये तो है ऑफ रोडिंग जैसा। मैंने मेरा जैकेट भी बंद नहीं किया है, पाउडर वाला धूल है, पाउडर वाला। अच्छा खासा बड़ा कर रहे हैं यार इन लोग। देखा हम लोग ने जब से राइट टर्न मारा है तब से एक भी पेट्रोल पंप नहीं आया। अच्छा हुआ हम लोग ने हाईवे पे ही पेट्रोल फुल करा लिए। ओ भाई हम लोग जाए। अच्छा उन लोग है ना बॉर्डर बॉर्डर पे डाल रहे हैं मिट्टी, रास्ता बड़े होते जाएगा। इन लोगों ने पहाड़ काटा हुआ है पता चल रहा है। ऑफ रोडिंग खतरनाक वाला ऑफ रोडिंग हो जा रहा है, अभी मेरे को प्रैक्टिस करा ले रहा है भगवान। ऐसा कुछ ऊपर से व्यू दिख रहा है। ओ हम लोग वहाँ से आए, देखो अगर आपको रोड दिखता होगा तो। गाइस आप देख सकते हो इन लोग क्या लेवल पे इन लोग काम कर रहे हैं यार। बाप रे बाप, दूर खिलाएंगे इन लोग, दोनों जन मेरे को दूर खिलाने वाले। कहाँ तक रोड बना रहे हो यार आप लोग। ये ट्रक के पीछे चलना थोड़ा सा रिस्की पार्टी है। ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है, हम लोग वहाँ से आ रहे थे और अभी रोड थोड़ी सी अच्छी है। और यहाँ पे लिखा है उधमपुर 66 किलोमीटर, 66 उधमपुर श्रीनगर 113 किलोमीटर। ऑलमोस्ट 5 बजे से चला रहा हूँ। मैप मैंने अपडेट कर दिया है, अपडेट इन द सेंस जो सिम है वो प्रीपेड है, तो प्रीपेड सिम आपको मालूम है जम्मू में चलता नहीं, यू नीड अ पोस्टपेड। तो थोड़ा सा इसको वाईफाई हॉटस्पॉट दे के ठीक कराया। बाप रे बाप, सच में ये तो बाप रे बाप, क्या भाई इतना जोर से आवाज आ रहा है। गाइस आप लोग को दिख रहा है ये माउंटेन रीजन क्या सुपर लग रहा है यार, बहुत ही बेहतर, एकदम दिल खुश करने वाला। आप व्यू देख रहे हो, बहुत ही बेहतर व्यू लग रहा है, मतलब समझ रहे हो ना यार, एक अलग ही फीलिंग है, मतलब स्टार्ट भी नहीं हुआ है। गर्मी तो बहुत है भाई, मेरे को लगा था यहाँ गर्मी कम होगी बट नहीं, यहाँ पे भी गर्मी है। रोड का काम बहुत चल रहा है यहाँ पे। ओनली 100 किलोमीटर टू पटनी टॉप, रीचिंग टाइमिंग अभी तो 4:30 बजा रहा है, मैं तो बहुत टाइम पास कर लिया मैंने बहुत यार। कहीं तो आग लगा है यार, व्यू बहुत प्यारा है बट एक जगह से धुआं निकल रहा है वो बहुत गलत दिख रहा है। ये व्यू देख रहे हो, माउंटेन के साथ व्यू है ये प्रॉपर। वाव यार वाव। तो मैंने ये कोई वैष्णो ढाबा करके यहाँ पे रुका है, क्योंकि बज रहे 3 तो खाना खा लेते हैं, भूख लगा है। सो मंगाई ये दाल और रोटी। ये रहा ऐसा कुछ हाल है, 38 डिग्री सेल्सियस अभी का जो टाइम हो रहा है वो है 2:46 इन द आफ्टरनून। भाई बहुत बुरा हाल है, मतलब बोल सकते हो भूख भी लगी थी और रुकना भी इसीलिए था कि थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाए, आधा घंटा वेट करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। हेलो जी भाई, खा लिया है खाना, अब निकलते हैं यहाँ से। धन्यवाद जी। फिर बॉटल को डाल देते इसमें। उस गाड़ी का आप हॉर्न देख रहे हो, स्पीकर जैसा उसने तो हॉर्न लगाया है। वो देखो ना माउंटेन का कैसा रीजन लग रहा है, मतलब नीचे तक आया हुआ है यार, बहुत ही बेहतर व्यू लग रहा है यहाँ से यार सच में। सो अभी जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री है। अच्छा हमने वहाँ से पेट्रोल भराया, वहाँ के बाद मैंने आई थिंक सो फर्स्ट पेट्रोल पम्प देखा है ये। ठीक है यार, थोड़ा सा रोड ख़राब है ना गाइस, इसके लिए आराम आराम से चलना पड़ रहा है। और दूसरी ये चीज़ है कि यहाँ पे ट्रक्स देख रहे हो आप, ये बड़े बड़े ट्रक्स चल रहे हैं। ऊपर से मैंने देखा एक मस्त सा ब्रिज का व्यू है, क्या लिखा है, गंभीर ब्रिज। गंभीर तो कोई हिसाब से नहीं लग रहा है ये यार, कितना नीचे है। भले रिवर में पानी नहीं है बट रिवर कितना नीचे है। उधमपुर 30 किलोमीटर्स फ्रॉम ईयर, मुझे पटनी टॉप 73 किलोमीटर्स बता रहा है, 1 आवर 45 मिनट्स। सो ये कौन सा तो मार्केट आया हुआ है, अगर इसमें पानी भरा रहता था ना तो एकदम प्यारा वाला व्यू होता है, एकदम प्यारा वाला व्यू। ये साइड देखो ना गाइस, पानी है बट बहुत कम है। ये वाला माउंटेन रेंज देखो ना, क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। एक एक जो माउंटेन रीजन का लाइन दिख रहा है ना ऊपर ऊपर से, वाव क्या दिख रहा है ना यहाँ से, क्या व्यू दिख रहा है यार। वो पहाड़ी पे एक घर दिख रहा है ब्लू कलर का, इतना ऊपर जाता कौन कैसे होगा यार। भाई लोग जम्मू कश्मीर में आके सबसे पहला वाला टनल, सबसे पहला वाला। टेम्परेचर सिर्फ गिर जाए तो मजा आ जाएगा चलाने के लिए। बहुत टाइम के बाद ऐसा सीधा रास्ता मिला है। लेट्स सी पटनी टॉप पहुंचते पहुंचते कौन सा
अच्छा होम स्टे मिलेगा। मैंने आज बुक नहीं किया हूँ होटल ने तो होम स्टे, तो क्या हो रहा था इतने दिनों से मैं पहले ही बुक कर ले रहा था। भाई साहब ये ब्रिज देख रहे हो आप, क्या हाइट पे बनाया है, क्या हाइट पे ये ब्रिज, नीचे से मतलब खाई से अगर आप देखोगे आपको वहाँ से एकदम प्रॉपर व्यू मिलेगा। यहाँ से तो देखने में बहुत सही लग रहा है। वो वाला ब्रिज का व्यू बताते हैं, जय माँ काली। सो भाई साहब ये व्यू देखिए, ओहो आप देख रहे हो क्या ऊंचाई पे चढ़ रहा है ये, हम वहाँ से नीचे से ऊपर आए इतना, क्या बात है। अच्छा उधमपुर इज ओनली 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर। भाई साहब अपने को इधर ऊपर जाना है। अंकल ये पटनी टॉप के लिए, ऊपर से ब्रिज होके जाता है तो यार आराम से लेते हैं, इससे आगे ही ले लेते हैं। तो वो थोड़ा सा यू टर्न जैसा था और यहाँ से हम इस ब्रिज पर चढ़ जाएंगे, यहाँ से हम वापस यू टर्न ले लें। थैंक यू जी। और ये आ गए हम लोग फाइनली उधमपुर और पटनी टॉप श्रीनगर हाईवे पे। कहाँ से हम लोग आ रहे हैं यार, थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो गया है क्योंकि यार थोड़ा सा सर भी दुख रहा है, सुबह से चला रहा हूँ गाड़ी, एक्सेसिव हीट, थोड़ा घर वाले से भी बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ कर रहा हूँ बट ठीक है। ऑल सेट, 4:22 हो रहा है आफ्टरनून के, 50 किलोमीटर बता रहा है। सो लेट्स गो। वेलकम टू उधमपुर और हम लोग अभी स्ट्रेट पटनी टॉप के लिए चल रहे हैं। इन 43 किलोमीटर्स विल रीच पटनी टॉप और वहाँ पे जाके आज का स्टे कर लेंगे। ये हाईवे तो बहुत ही बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया है। ये भाई साहब उल्टा क्यों चला रहे यार, ये क्या बनाया है देखो ना, खूबसूरत लग रहा है। सो दिस इज उधमपुर रेलवे स्टेशन। यस गाइज वेलकम टू उधमपुर। पटनी टॉप रुक रहा हूँ बिकॉज एक टेम्परेचर भी अच्छा रहेगा, तो कल जब निकलेंगे तो यार अच्छे वेदर में निकलेंगे हम। और व्यू तो आप देख सकते हो, मेरा कान बंद हो चुका है गाइज, ये क्या हाईवे है, मतलब आप देख सकते हो ना उधर तक आपको दिख रहा है हाईवे, मस्त डबल लेन हाईवे मक्खन की तरह चल रहा है और वो भी व्यू के साथ, एकदम अमेजिंग व्यू है। मतलब बोलते हैं ना जिसको दिल जीत जाता है वैसा वाला, वो माउंटेन और उसका जो फॉर्म हो रहा है ना वो बहुत ही बेहतर। रोड ने तो दिल जीत लिया यार, दिल जीत लिया सच में। सनसनन गाड़ी निकल रही है और हर पल व्यू चेंज होता जा रहा है। वो वहाँ पे नीचे जा रहा है हाईवे, दिख रहा है आपको, वो नीचे जा रहा है श्रीनगर 181। जैसा जैसा हाईवे चल रहा है वैसे वैसे साथ में एक नदी चल रही है। अभी तो ऐसा लग रहा है हम लोग सब उतरते ही जा रहे हैं। आप देख रहे हो वहाँ पे धुआं निकल रहा है यार, आग लगी है लगता है। पिछले 20 मिनट से सिर्फ चढ़ते ही जा रहे हैं। अभी तो यहाँ से हाईवे बहुत अच्छा, उधमपुर के बाद से हाईवे बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा है। पठानकोट से जो जैसे ही जम्मू के लिए एंटर है तो जम्मू से लेके आपको उधमपुर तक थोड़ा सा हाईवे इतना अच्छा है नहीं। जैसे उधमपुर आप क्रॉस करते हो मेन हाईवे पे आ जाते हो यार, पटनी टॉप तक तो बहुत ही बढ़िया, मतलब अभी तक तो बहुत बढ़िया है। सेम ऐसा बोल रहे श्रीनगर तक रहता है। क्या व्यू लग रहा है यार, वो क्या व्यू लग रहा है, ऐसा लग रहा है उस पर बर्फ गिर रही है। टोल वाला है रोड है, पटनी टॉप। ओके सो पटनी टॉप हियर 20 किलोमीटर, वो आपका डायरेक्ट श्रीनगर। गाइस क्या व्यू है यार, क्या व्यू है यार, ड्रोन उड़ाने क्या मजा आ रहा था सच में यार, मतलब अलग ही तरीके का अल्टीमेट है यार। आई एम कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ और ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया होता है, जिंदगी भर के लिए याद रहता है जो भी आपके साथ फर्स्ट टाइम होता है वो। ये मतलब यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, मतलब समझ रहे हो यार। फोटो खींचने के लिए रुका था मैं यहाँ पे, दैट्स व्हाई पीपल लव कश्मीर यार, मतलब बहुत ही सही व्यू है। ग्लव्स निकाल दिया मैंने, जोमेटो इसका पीछे का डब्बा देखकर इसको देख के लगा जोमेटो वाला इधर डिलीवरी कर रहा है यार। कितना नीचे है टेम्परेचर, बाय द वे पूरा ड्रॉप हो चुका है और अराउंड 28 डिग्री आ गया है। जैसे जैसे पटनी टॉप के और जाएंगे 26 हो जाएगा, शाम को 6 बजे के आसपास 26 बता रहा था। कान तो बंद हो गए बट दिमाग खुल गया है कान बंद होने के साथ ही साथ ये ब्रेड टेकिंग व्यू देखकर यार, बहुत ही अलग है यार, सुकून है यहाँ पे, एक किसी चीज का शोर शराबा नहीं है यार। सो वाव यार, सो वाव यार, वो ऊपर का पार्ट कितना
कितना अच्छा लग रहा है यार सच में। ये कौन से पायलट ने यहाँ पे प्लेन उतार दिया? सो दिस इज समथिंग, बट बहुत ही अमेजिंग सा व्यू है। दिल खुश हो गया सच में। अपने को अपने होटल से निकलकर ऑलमोस्ट 405 किलोमीटर हो गया है फ्रॉम बरनाला टू पटनी टॉप। चाय की तलब है, फुल रिफ्रेशमेंट हो जाऊंगा तो कहीं रुकते। पटनी टॉप सिर्फ 2 किलोमीटर ही है यहाँ से। चाय, तो आप ये व्यू देख सकते हो। तो यहाँ से सनसेट हो रहा है, मैं चाय और पराठे खाने रुका हूँ अंकल के यहाँ पे। सो यस, मोर 2 किलोमीटर्स टू गो। सो यहाँ से जा रहे थे हम, तो वापस में रिटर्न है बिकॉज ये रेस्टोरेंट देख कर चाय पी के निकलते हैं। सो फाइनली हम लोग होटल पहुंच गए पटनी टॉप। बरनाला से पटनी टॉप ऑलमोस्ट 412 किलोमीटर है। सुबह 5 बजे निकले थे, शाम के अभी बज रहे हैं, देख सकते हो टाइम 7 बजे, जो कि प्रॉपर दिन जैसा है। तो ये है अपना खूबसूरत सा होटल, ठीक है। यहाँ पे वॉशरूम है, ये अपना बेड है, यहाँ सोफा बैठने के लिए। आपको खूबसूरत सा व्यू बताता हूँ। सो दिस इज द व्यू ऑफ द पटनी टॉप फ्रॉम द होटल। कितना खूबसूरत सा व्यू है यार, कितना खूबसूरत सा व्यू है यार। वहां पे सनसेट हो रहा है कहीं पर, ऐसा दिखता है। अपनी जो गाड़ी है, ये जो झाड़ है ना उसके पीछे ही खड़ी है, तो इधर से दिख भी रही है आप, और लाल कलर का देख सकते हो, तो वो अपनी गाड़ी खड़ी है। दिस इज द व्यू। अभी थोड़ा सा फॉग फॉग लग रहा है ना, तो बहुत क्लियर माउंटेन दिख रहा था। फाइनली हम लोग बरनाला से पटनी टॉप पहुंच गए। जो कल की जो जर्नी है वो मैं आपको कल ही बताऊंगा। तो यहाँ तक अगर आपने व्लॉग देखा है, अगर आपको कुछ भी रीज़न से अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हो, चलो लद्दाख सीरीज 2024 देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फाइनली 4 से 5 दिन ट्रैवल करने के बाद मुंबई से पहली बार मैं ज़िंदगी में आया हूँ पटनी टॉप और जम्मू। तो यहाँ से जो भी डेस्टिनेशन हम देखते जाएंगे तो सबसे पहली बार ही होगा। मिस कर रहा हूँ मैं, मेरी फैमिली को भी मिस कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स लोग को मैं मिस कर रहा हूँ, रोहन को भी मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ राइड किया हुआ है। इस रीजन से कोई नहीं, कुछ कुछ पल जिंदगी में खुद को सोलो गुजारना होता है। तो यस, ये वी आर, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो उन लोग के साथ करेंगे। फाइनली यार, फाइनली यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू। अगर ड्रोन उड़ाने मिल जाता था ना, तो सच में ड्रोन उड़ाने मिल जाता तो मजा आ गया रहता। बाय द वे, और एक चीज आपको बताना भूल गया भाई, ठंडी है, 24 डिग्री हो चुका है, 24 24, बहुत ही बेहतर। अब रात को तो और गिरेगा। सनसेट होने वाला था, हो गया है सनसेट। सो दिस इज द 4th डे ऑफ चलो लद्दाख सीरीज 2024 एंड वी हैव रीच्ड पटनी टॉप। इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। So live at present, live your dream. This is Prasad Shetty. See you next time. Bye. Take care. Alvida. Milte hain agle vlog par. Vlog to maine end kar diya hai. After rituals, you know, transfer ho rahe files yahan pe. Aur khana maine manga liya hai. This is dal, roti, chawal and achar. All sab kuch sort hai. Arey yaar, yehi nahi ban gaya maine to. Bape baap. देखा फास्ट टैग कहीं पे कुछ खाने के लिए होगा यार, बहुत भूख लगा है मुझे। पठानकोट बहुत कम रह गया होगा। मुझे तो भयंकर वाला नींद आ रहा है, मालूम नहीं क्यों। इसको लगाने की एक दिक्कत है, साइड स्टैंड पे थोड़ी सी झुक जाती है गाड़ी। इसका आप स्लोगन देख रहे हो, मतलब नीचे का टैगलाइन देख रहे हो, साइलेंस इज द बेस्ट एटीट्यूड व्हेन यू आर डिसअपॉइंटेड विद द सिचुएशन। भाई साहब क्या व्यू है यार। रोहन, यार रोहन मैं तेरे को बहुत मिस कर रहा हूँ सच में ब्रो। यार आता तो बहुत मजा आता सच में, साथ में राइड करते दोनों। ठीक है ब्रो, नो वरीज, नेक्स्ट टाइम पक्का साथ में करेंगे राइड।